उदाहरण 22, वर्ग समीकरण 4x2 ऋण एक्स धन 1 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। हल, वर्ग समीकरण 4x2 ऋण एक्स धन 1 = 0 की तुलना हम ax2 + bx + c = 0 से करने पर हमें a का मान प्राप्त होता है a = 4। उसी तरह से b का मान हो जाएगा, b को हम तुलना करेंगे, x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक ऋण 1 है, तो यहाँ b का मान ऋण 1 और उसी तरह से c का मान 1। a, b और c का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि विभेदक d = b2 - 4ac में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा d = b का मान हमारे पास ऋण 1 है, की घात 2 जो कोष्टक में रखेंगे, ऋण 4, a का मान है 4 तो गुणा 4 और गुणा c का मान है 1, या विभेदक d = ऋण 1 की घात 2 = ऋण 1 × ऋण 1 = 1, ऋण 4 × 4 16, 16 × 16, तो हमें प्राप्त होगा d = ऋण 15 जो कि ऋणात्मक है। d का मान, चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक ऋणात्मक है अतः इस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे, यह इस उदाहरण का हल है। करके देखें, इन समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला, x² + x + 2 = 0। दूसरा, 2x² + x + 1 = 0। तीसरा, 2x² + 5x + 5 = 0। चौथा, 2y² - 2 × √6 × y = 3 = 0।